खत्म की चीजें बची हुई आई हैं जिसमें हम लोग टूट पड़े हैं। मसा जेलो, आपको तो नहीं दूंगी मैं, आपको तो नहीं दूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके? आई होप कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। आज का व्लॉग अगेन जो है ना वो बहुत ही सुस्त है, क्योंकि कल वाला जो है ना अभी तक मेरा सुस्ती वाला नशा उतरा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आज बड़ा ही देर से व्लॉग, और आज का ना कुछ है भी नहीं खास करने को, क्योंकि कल जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें बच गई थी। आज की इफ्तारी में मैं तो वही यूज़ करूँगी, क्योंकि उनको ज़ाया तो हरगिज़ नहीं करना। और आज जो है ना वो मेरे देवर्स का ख़त्म भी है। मेरा एक देवर माशाल्लाह से तरावियाँ पढ़ा रहे हैं, तो आज उनका ख़त्म कुरान भी है, मतलब कि आज ना उनकी तरावियों में कुरान पाक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मुझे वहाँ पे भी जाना है, ससुराल भी जाना है। एंड वन मोर थिंग, ये है मेरा वो नीम का दरख्त, जो कि मैं आपको बताती रहती हूँ कि मेरे घर के बिल्कुल बाहर नीम का दरख्त है। तो यहाँ से ना मुझे अभी कुछ पत्ते चाहिए थे, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मुझे नीम के पत्ते चाहिए। और ये फूल फर्स्ट टाइम मैंने देखे हैं, मुझे नहीं पता ये फूल नीम के फूल भी निकलते हैं। आप लोग मुझे बताएं अगर आपको इस बारे में कुछ पता है, और इनका शायद कोई एडवांटेज भी हो, शायद नहीं, यकीनन कोई ना कोई इसका एडवांटेज बेनिफिट ज़रूर होगा, क्योंकि अल्लाह ने कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनाई। एज वी ऑल नो, कौन कौन है? मुझे ऐसा लग रहा था कि मारिया दरवाज़ा खटका रही है, बट अभी मारिया का नामो निशान ही नहीं है। बर्तन अभी तक मेरे ऐसे पड़े हैं क्योंकि मैं उठी ही बहुत देर से, और अभी मेरा मूड बिल्कुल नहीं हो रहा बर्तन धोने का। मैं सोच रही हूँ कि काम वाली आंटी आएंगी तो उनसे ही मैं धुलवाऊँगी। मारिया हाँ आओ। तुझे इफ्तारी वगैरह अल्लाह का शुक्र है हो गया, जो थोड़ी बहुत करनी थी, क्योंकि आज मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इतना दिल नहीं था। और बनाया भी कुछ खास नहीं, बस जो कल का ही था बचा हुआ वही हमने खाया है। और अभी जो है ना काम वाली आंटी ने सफाई करनी, और मैंने जाना है ससुराल। तो मैं ना जब तक ये, आज मैंने लॉन का ड्रेस निकाला है क्योंकि गर्मी हुई भी है और अब दिल चाह रहा है कि बस अब सिर्फ लॉन के कपड़े पहने। मैंने ये लॉन का ड्रेस निकाला है, तो ये मैं ड्रेस प्रेस करने लगी हूँ, और फिर इंशाल्लाह फ्रेश होकर मगरिब की नमाज़ पढ़ के हम लोग चले जाएंगे ससुराल। गाइस लेट मी शो यू माय ड्रेस, जो कि अभी मैं प्रेस कर रही थी, और मैंने सोचा कि इसकी जो है ना काफ़ी अच्छा बैंड में जो है ना इसका थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल है, तो आपको दिखा देती हूँ अगर किसी ने बनवाना है। मेरा तो ये 2 साल पुराना सूट है, खाड़ी से मैंने लिया था। 2 साल पहले तक भी मुझे खाड़ी के प्रिंट पसंद आ रहे थे, बट आजकल बिल्कुल नहीं। इसके एम्ब्रॉयडर्ड स्लीव्स थे, जिसके आगे मैंने इस तरीके से करके ये तिकोन वाले समोसियाँ बनवा ली थी। और मेरा दिल कर रहा था कि बैंड वाला गला बनाऊँ, तो थोड़ा सा ना उसको डिफरेंट करके ना मैंने इस तरीके से बनवा लिया था। और यहाँ पर ना उसको थोड़ा सा वो क्या कहते हैं मज़ीद प्रोमिनेंट करने के लिए मैंने एक एक बटन लगा लिया था इस तरीके से, ये देखें। और इसके दामन पे भी बहुत अच्छा था, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल सूट था, सिर्फ इसकी एम्ब्रॉयडरी स्लीव्स पे थी। तो दामन पे इस तरीके से ना मैंने इनके ये डबल जो है करके डबल कलर्स में ना डबल मैंने इस तरीके से समोसियाँ लगवा ली थी, ये देखें। और यहाँ पे फिर मैंने एक एक बीट लगवा लिया था, और बीच में ये जॉइंट लेस थी। ये जॉइंट लेस जो है ना वो मैंने बाजू पर भी आई गेस लगवाई थी, नहीं लगी हुई बाजू पर, सिर्फ दामन पर है। अहला अभी तो प्रेस किए फेंक कैसे रही हूँ मैं इसको। दुपट्टा इसका बिल्कुल जो है ना प्रिंटेड लॉन का दुपट्टा है, ये देखें। 2 साल पहले तक मुझे लॉन के दुपट्टे का शौक होता था कि यार लॉन के हों, आसानी से पहने जाते हैं, और मतलब कि कवर हो जाता है इंसान अच्छे से, उनको बार बार ठीक करना नहीं पड़ता। लेकिन अब मुझे जो है सिल्क के दुपट्टों का शौक चढ़ गया। और यहाँ पे इसके ट्राउज़र का डिज़ाइन दिखा देती हूँ, ये देखिए ट्राउज़र में भी मैंने इस तरीके से करके जॉइंट लेस लगवा ली थी। नीचे जो है ये मतलब सिलाई से जो है ना बारीक वाली प्लेट्स लगवा के इस तरह का डिज़ाइन था, और यहाँ पे इस तरीके से नीचे बॉक्स बनवाए थे, और ऊपर जो ऐसे सिंपल प्लेट्स लगवा ली थी, हल्का फुल्का सा बस ट्राउज़र का डिज़ाइन के कैजुअली आप लोग घर में आम पहन सके। तो मैं अब जा रही हूँ फ्रेश होने, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। आज मुझे कुछ स्टॉलर चाहिए थे अबाया के लिए, तो वो भी आज मैं देखूँगी बाहर से।
सो गाइज आई एम लिविंग फॉर ससुराल. इशा की अजानें जो है ना वो तकरीबन होने वाली हैं, क्योंकि रोज़ा खोल के ना मैं बिल्कुल जो है वो नशे में चली जाती हूँ. तो इसलिए रोज़ा खोलने के बाद 10-15 मिनट में थोड़ा सा लेटी, उसके बाद मैं फ्रेश हुई और अब जो है ना वो हम जा रहे हैं. हवा बिल्कुल बंद है. 4-5 दिन पहले कैसा अच्छा मौसम था और एकदम से कंबल से जो है ना वो हम पंखों पे शिफ्ट हो गया. काफ़ी गर्मी हुई हुई है क्योंकि अभी से मतलब लाइक अगर मैं लास्ट फ्राइडे की बात करूँ ना तो तब तक भी हम लोगों ने जो है वो गीज़र चलाए थे और गर्म पानी से शॉवर लिया था, लेकिन आज ऐसा कोई सीन नहीं है. क्या कर रही थी आधी रात को? चल चल अंदर. लड़कियां नहीं जाती, भाग के जा. बस कहीं जा रहे हैं ना, हट दरवाजे से. चलें जी, मैं जो हूँ वो पहुंच गई हूँ ससुराल. ओए सलामुअलैकुम. ये क्यों लटक रहा है जी, क्यों लटक रही है? तुमने भी जाना था. भाई गए. कौन सी टोपी है? ये पाकिस्तान की टोपी. अरे अल्लाह, मेरे नीचे आ गई. क्यों ले रहे हो मेरा बनाया हुआ शरबत? आए पहले मुझे इतने गले. क्यों पी रहे हो? नहीं पीना मेरा शरबत. मसर जेलो, आपको तो नहीं दूंगी मैं, आपको तो नहीं दूंगी. मेरे पास नहीं आए ना, दादी का लाडला बना हुआ है. आज तो माशाल्लाह बहुत शरारती हो गया. जेलो अभी जान भी आ रही है, देख के ना बहुत उछल रही थी. अब क्यों आ रहे हो? नहीं देती मैं तो, नहीं दूंगी. तुम की चीजें बची हुई आई हैं जिसमें हम लोग फूट पड़े हैं. उसको देखो कहाँ घुसा हुआ है. वो देखो फौजी. अम्मा जी अपनी चेयर के नीचे देखें, डब्बों के नीचे कहाँ से कहाँ घुस गए. मसाब मसाब क्या खाओगी पहले, मुझे तो भूख. अच्छा जी, तो अब मैं घर आ गई हूँ और घर आने के बाद सबसे पहले आते साथ ही मैंने वो डब्बा खोला है जो कि आज मिला था. होता यूँ है कि वैसे तो हर साल जो है वो अपने घर में ही तरावियाँ पढ़ाई जाती हैं, तो अपने घर में ही पूरी प्रॉपर इफ्तारी का और चाय पानी का इंतज़ाम होता है. बहुत सारे लोग आते हैं, उनको इस तरीके से मिठाई वगैरह भी दी जाती है और काफ़ी कुछ. लेकिन इस बार जो है वो कहीं और था, तो बस सिर्फ ये इस तरह के छोटे छोटे बॉक्सेस बनवा के और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उधर ही फिर सबको दे दी थी. तो इसके अंदर है मिठाई वगैरह है और साथ में ये पैटी है. रसमलाई तो मैं वहीं से खा आई थी, ये पैटी है. साथ में मैं कोक एंजॉय करूंगी और इंशाल्लाह आपसे मिलूंगी कल के व्लॉग में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ, जो अभी तक मैंने सोची नहीं है कि मैंने कल क्या बनाना है, क्योंकि अभी मुझे बहुत सख्त किस्म की नींद आ रही है. आज बिल्कुल भी नींद नहीं, पूरी भी एंजाइटी हुई है काफ़ी, और आज बड़ी रात भी है. तो मेरा दिल चाह रहा है कि अब मैं सो जाऊँ और इंशाल्लाह 2 बजे तक उठ के फिर मैं अपनी इबादत करूँगी. आप सब लोग भी आज ख़ास इबादत में जो है ना मुझे याद रखिएगा. इंशाल्लाह हम सबको याद रखिएगा अपनी दुआओं में. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.